हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है क्रिश। आपका स्वागत है मेरे चैनल में और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जैपनीज मल्टीप्लिकेशन। इस जैपनीज मल्टीप्लिकेशन को सीखने के लिए आपको कोई भी टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि 2 का टेबल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ये बताता हूँ कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, 122 इंटू हम उसे कह लेते हैं 13। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या करना होगा, 122 का पहला डिजिट 1, यहाँ पे हमको एक लाइन खींचनी होगी। अगला डिजिट है 2, तो यहाँ पे 2 लाइंस खींचनी होगी थोड़ी जगह छोड़कर, और अगला नंबर फिर है 2, और फिर से 2 लाइंस खींचनी होगी। और इसके बाद अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 के साथ, तो 13 का 1 को हमको ऐसे करना होगा, और ये 3, तो यहाँ पर हमको थोड़ी जगह छोड़ के 3 लाइंस खींचनी होगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से एरिया लेना है। पहले तो ये नुक्कर वाला एरिया ले लीजिए और ऊपर से ये नुक्कर वाला एरिया ले लीजिए। फिर आपको क्या करना है, ये एरिया लेना है और फिर ये एरिया लेना है। अब आपको इसका आंसर कैसे पता चलेगा, आपको देखना है कि इस एरिया में लाइंस कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही है, जैसे कट हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पीछे लिख लीजिए 6। तो इस एरिया में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पीछे लिख लीजिए 8। तो यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, पीछे लिख लीजिए 5, और इस एरिया में 1, और यहाँ पे लिखिए, ये हमारा आ जाएगा आंसर। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 321 into 12 कह लीजिए आप। इसमें क्या करना होगा हमको, ये देखिए 3 पहला डिजिट, 3 लाइनें खींचनी पड़ेंगी, 1, 2, 3, थोड़ी जगह छोड़ के इस नंबर 2 की लाइंस 2 लाइनें खींचें, 2, और थोड़ी जगह छोड़ के 1, और इस 12 को साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका फर्स्ट डिजिट है 1, तो थोड़ी जगह छोड़ के 2 लाइंस खींच लेंगे हम। अब आपको क्या करना है कि पहले तो मैंने बताया था कि जो नुक्कड़ वाले एरिया है उनको सिलेक्ट कीजिए, ये एरिया और ये एरिया आप कह लीजिए, और फिर इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और फिर इस एरिया। अब आपको देखना है कि इस एरिया में जो लाइंस हैं वो कितनी बार कट हो रही हैं, यहाँ पे 1, 2, पीछे लिख लीजिए 2, या इस एरिया में देखें 1, 2, 3, 4, 5, पीछे लिख लीजिए 5, इस एरिया में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पीछे लिख लीजिए 8, और लास्ट में देखिए 1, 2, 3, 3। तो इसी प्रकार आप हर एक सम कर सकते हैं। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स।